बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो है तदरीस उर्दू जमात हशतम के लिए। इसमें हमारे पास जो हासिलात तालीम या अमूमी मकासद हैं वो हैं, इसमें सिफ्त और उसकी इकसाम, और दूसरा है तलमीह की पहचान और उसका इस्तेमाल। पहले बात करेंगे हम इसमें सिफ्त की और उसकी इकसाम की। एक मिसाल की मदद से हमने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मैं जो सरगर्मी है वो सरगर्मी हम क्लास में मिलकर सभी बच्चों के साथ करेंगे, सभी बच्चे उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसके लिए हमें दरकार होगा बोर्ड, राइटिंग बोर्ड चाहिए होगा, और उसमें सवाल ये होगा कि मिसाल के तौर पे हम कमरे जमात के लिए, कमरे जमात में अपने खाने के लिए जो हमने इस्तेमाल आज से खुद करना है, तो उसके लिए हमें सामान की फहरिस्त बनाना होगी, सामान की फहरिस्त बनाना होगी। अब उसकी फहरिस्त बनाने का आगाज करते हैं, तो बच्चों से हम मुख्तलिफ आरा लेंगे, ये उसका पहला हिस्सा होगा। हम उनसे आरा लेते चले जाएंगे जी, आप बताएं क्या चीज हमने मंगवानी है। सबसे पहली चीज हमें दरकार होगी, हमने जी रोटी बनानी है तो हमें आटा चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि हम 20 लोग हैं, आटा हमें कितना चाहिए जी? हमें 10 किलो चाहिए। कितना चाहिए? 10 किलो चाहिए। फिर उसके बाद चीनी चाहिए, हमें चीनी चाहिए। चीनी कितनी चाहिए? चीनी हमें 5 किलो चाहिए। हमने चाय पीनी है, उसके लिए हमें चीनी दरकार है। हमें ऑयल चाहिए, ठीक है, हमने खाना बनाना है, ऑयल चाहिए। ऑयल कितना चाहिए? हमें 5 लीटर चाहिए, ठीक है। और फिर हमें चाय के लिए दूध भी दरकार होगा। दूध हम लेंगे, दूध हमें कितना दरकार है? दूध हमें दरकार है जी 10 लीटर दरकार है एक हफ्ते के लिए, ठीक है। ऐसे हम उनसे फहरिस्त बनवाते चले जाएंगे कि इसमें हमें बताएं जी क्या चीज हमें चाहिए और दूसरी क्या है, कितनी चाहिए। अब वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बताते चले जाएंगे, आटा चाहिए हमें 10 किलो चाहिए, चीनी चाहिए इतनी चाहिए। अब इसके बाद आएगा जी हमें ये जो इसकी मिकदार है, इसका आटे से क्या ताल्लुक है? हमने आटा लाना है, हमें आटे की जरूरत है कितनी? 10 किलो। यानी आटा आया है 10 किलो, तो ये आटे की मिकदारी सिफ्त है, ठीक है, मिकदार के हवाले से बात हो रही है ना उसकी, तो ये उसकी सिफ्त है। आटा 10 किलो है तो उसकी मिकदार है, ये उसकी सिफ्त है। चीनी की ये 5 किलो है, यानी मापने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, यानी किसी की पैमाइश में उसके वजन या ऐसी चीज के हवाले से जो उसकी पैमाइश को या उसके औजान को वाजे करती है, तो वो सिफ्त मिकदारी होती है, मिकदार की फॉर्म, यानी उसकी सिफ्त है। फिर अगली चीज मिसाल के तौर पे, यानी ये पहला हिस्सा हो जाएगा उस सरगर्मी का। दूसरा हिस्सा ये है कि मैंने आज नहीं कल सिखाना है कि बच्चे जो है उसमें सिर्फ जो है ना इसमें मिकदारी में ना रहे, तफसील की तरफ जाएं, उसमें नफसी पे जाएं और फिर बाज तफसीले बाज पे जाएं, तफसीले नफसी और तफसीले कुल पे भी जाएं। अब इन्हीं की मदद से मैं एक और मिसाल देता हूं। दूसरी चीज में हम क्या करते हैं, पहले इनकी मदद से देखते हैं, फिर मैं एक और मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना सिफ्त तफसीली पे जाना है, और सिफ्त तफसीली भी कौन सी? सिफ्त तफसीली बाज पे। अब बाज पे कैसे जाना है? दो चीजें मुझे चाहिए, उनका आपस में मुवाजना करना है। मिसाल के तौर पे ये 5 किलो चीनी जो है ना वो आई है 500 रुपए की, और 5 किलो ऑयल आया है 3,000 रुपए का। अब ऑयल चीनी से महंगा है, यानी इनका आपस में मुवाजना हुआ है, तो इसकी निस्बत ये ज्यादा महंगा, ये तफसीले निस्बती आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज है, मैं ये कहता हूं जी 10 किलो आटा है, लेकिन आटा बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है। बाज मैंने इसको किसी और के साथ उसका मुवाजना नहीं किया, इसको मैंने चेक करके इसी की तारीफ की है, तो ये क्या है? तफसील नफसी, उसके अपने बारे में तफसील आ गई कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर एक चीज होती है तफसील कुल, किसमें? सिफ्त में। इसमें सिफ्त में, इसमें सिफ्त जो है उसमें तफसीली की जब हम बात करते हैं, तफसील कुल वो क्या है? जैसे आपने एक रिवायत सुनी होगी कि फजर की दो सुन्नतें, फजर की नमाज की दो सुन्नतें इस दुनिया में तमाम चीजों से ज्यादा अफजल है। जब एक चीज का मवाजना बाकी तमाम चीजों से हो जाए तो तफसीले कुल होती है, यानी कुल तमाम चीजों के मुकाबले में उसकी तफसील आ गई। तो हम इसको क्लासरूम में इसकी मदद से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 500 का आया, ये 1500 का आया, और दूध जो आया वो 2,000 रुपए का आया। तो इन तमाम चीजों में सबसे महंगी चीज कौन सी है? ऑयल। ऑयल सबसे महंगा है, तो ऑयल की इसमें सिफ्त की जो तफसीले कुल है
उसके एतबार से हम देखेंगे जी इसकी ये तफसीले कुल के पैमाने पे जब उतरता है तो ये सबसे महंगा है। ठीक है, इसको अब हमने करवाना कैसे है, ये जब हम करवा लेंगे ये दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में फेरिस्त बनवाएंगे, उन्हें जो सिर्फ तो मिकदारी है सिर्फ वो बताएंगे, वो करवा के उन्हें कॉन्सेप्ट दे देंगे। फिर अगले हिस्से में हम उन्हें जो है सिर्फ जो है वो तफसीली की जो तीन अकसाम है वो करवाएंगे। उसके बाद जो हमने चीजें पढ़ाई हैं उसके मुतालिक हम उन्हें जुमले देंगे जो वो घर के काम के तौर पे होंगे, कि अपने इर्द गिर्द, कोई किताब से हम नहीं देंगे, ज्यादा बेहतर है कि किताब से ना दें, अपने इर्द गिर्द चीजों को देखकर उनका आपस में मुवाजना करके या उसकी अपनी हैयत के एतबार से उसकी तफसीले नफसी बना लें, तफसीले कुल बना लें, या जिस एतबार से भी बना लें वो बना के लेके आए। अब इसमें जो हमारे पास अगली चीज है वो जो है ना, इसमें हमारे पास दूसरा जो SLO है, दूसरा हासिलाते तालीम में जो दूसरी चीज है वो है तलमीह। अब ये तलमीह जब हम अपने बच्चों को सिखानी है तो इसके लिए ये चीज ध्यान में रखें कि ये अमूमन बहुत से बच्चों के लिए ये एक चीज नई चीज होगी। इसको सिखाने के लिए जरूरी है कि पहले हम खुद इसे समझें और उसको मिसालों से हर एक जो है ना चीज, वो मोस्टली एक्टिविटीज से हम करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बात चीजें हैं जिनको समझाने के लिए हमें ज्यादातर मिसालों का सहारा लेना पड़ता है। इसके केस में ये देखा गया है, ऐसे इसके मामले में ये देखा गया है, इसमें मिसालों में समझाना ज्यादा आसान होता है और इसका जो काम होता है घर का काम या इसकी जांच के लिए जो हम काम देते हैं कोशिश करें वो भी मिसालों की सूरत में हो। और इसको समझाने के लिए ज्यादातर शायरी का सहारा लिया जाता है, जैसे अभी भी इसका जो है वो तज़किरा इकबाल की एक जो है जो नज्म है उससे इसका लिया गया है, जो है आज वो कश्मीर महकूम है। ठीक है, इससे इसका जो है वो इसकी मश्क में इसे डाला गया है। इसमें जो पहली चीज है तलमीह में वो ये है कि मिलते जुलते वाकयात को अल्फाज की सूरत में, यानी कोई ऐसी बात, ऐसा लफ्ज लिखना जिस लफ्ज के पीछे एक पूरा वाकया, एक पूरी दास्तान छुपी होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई ऐसा शेर है जिसके अंदर सुकूत ढाका का तज़किरा हो, सुकूत ढाका का तज़किरा ये है तो दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है, फॉल ऑफ ढाका, लेकिन इसके पीछे एक पूरी दास्तान है। जैसे दूसरी हम नारे नमरूद की बात करते हैं, ठीक है, नारे नमरूद ये सिर्फ वो आग नहीं है जो नमरूद ने जलाई थी, इसके पीछे पूरी एक दास्तान कार फरमा है। तलमीह ऐसी चीज है, ऐसे इशारात से, ऐसी मिसालों से बात को मुकम्मल करना, बात को ऐसी जगह पे लेके जाना, ऐसी जगह इशारात की मदद से बयान करना कि जो उसका उसके असल मतालब हैं वो अगर इससे मिलते जुलते हैं, आप पूरी बात लिखने की बजाय जो उससे मिलता जुलता वाकया माजी में हुआ है उसको आप वहां पे एक लफ्ज की सूरत में तहरीर कर देते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, अभी एक सरगर्मी हम करेंगे, सरगर्मी में हम ये करेंगे कि हमें कोशिश करें कि हम एक्सप्लेन करें इसको। जैसे यहां पे जो आता है एक मिसरा जो है, ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं। अब मिस्र का बाजार जो है, मिस्र का बाजार, अब ये शायर ने मिस्र का बाजार इसलिए लिखा है कि मिस्र के बाजार में जब यूसुफ बिक सकते हैं इसका मतलब है हर चीज बिक सकती है। और मैं अगर इसी से, मैंने अगर अपने अल्फाज में कुछ बयान करना हो बच्चों को समझाने के लिए, मैं उनसे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे हम तो जो सरगर्मी करेंगे वो इनफरादी होगी, मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा और एक्सप्लेनेशन का ही मैं सहारा लूंगा। मिस्र का बाजार उन्हें एक्सप्लेन करके मैं साथ कम से कम एक मिसाल और दूंगा, कम से कम मिस्र के बाजार के हवाले से। वो क्या हो सकती है कि दयारे मिस्र में देखा है हमने दौलत को, सितम जरीफ पयंबर खरीद लेती है। अब ये मिस्र के बाजार के हवाले से ही जो है ना, इसमें मिस्र के बाजार का तज़किरा तो नहीं है लेकिन उसी चीज का तज़किरा है जो शायर ने यहां पे किया है। तो तलमीह सिखाने के लिए जरूरी है कि हम एक मिसाल के साथ, एक नई मिसाल की इजाफत के साथ बच्चों को समझाएं, और फिर जो नई मिसाल हम देते हैं काम हम उस मिसाल पे बच्चों से करवाएं।